नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव साइंस क्लासेस के अंदर। पिछले क्लास के अंदर हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूजफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। सबसे पहले बात करते हैं यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहला यूज होता है इनका फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। फूड इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह से इनका यूज होता है, सबसे कॉमन यूज होता है डेयरी में, दूध से दही बनाने में। इसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं, सबसे पहला लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टो लैक्टिस। ये दो तरह के बैक्टीरिया यूज में लिए जाते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये क्या करता है, पनीर वगैरह, पनीर दही इनके अंदर फ्लेवर सुगंध उत्पन्न करता है। अब बैक्टीरिया दूध को दही से कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूध के अंदर होता है कैसीन प्रोटीन, ये तो है प्रोटीन, और इसके अंदर लैक्टोज शुगर होता है। ये इस कैसीन प्रोटीन को जमा देते हैं, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस कैसीन प्रोटीन को जमा देते हैं और उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एल्कोहल से सिरका का निर्माण करते हैं, जैसे कि बैसिलस एसिटाई। कुछ ऐसे होते हैं जो सुगर से सिरका का निर्माण कर देते हैं। सिरका बेसिकली एसिटिक एसिड ही होता है, निर्माण कर देते हैं, जैसे माइकोडर्मा। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक तो एल्कोहल से सिरका का निर्माण करता है, एक सुगर से सिरका का निर्माण करता है, और सिरका एसिटिक एसिड C2H5COOH ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो एग्रीकल्चर में मोस्टली यूज आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले स्केवेंजर्स के फॉर्म में बैक्टीरिया काम में आते हैं, पर्यावरण की सफाई करने वाले स्केवेंजर बैक्टीरिया जो मोस्टली सेप्रोफाइट होते हैं। ये क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर पर्यावरण की सफाई करते हैं। बहुत से जानवर, जंतु, पेड़ पौधे ये सब जो डेड हो जाते हैं उनका क्या होता है, ये सब बैक्टीरिया होते हैं वो उनको डीजनरेट कर देते हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और इनके जो भी मूलभूत तत्वों के अंदर इनको बदल देते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन पदार्थों के अंदर इनको बदलकर मृदा में मिला देते हैं, जिससे ये वापस पेड़ पौधों के उपयोग में आ सके। आगे देखते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं। सबसे बड़ा रोल होता है, ये क्या करते हैं बैक्टीरिया जो सीवेज वाटर होता है उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोग बैक्टीरिया का सीवेज ट्रीटमेंट में होता है। उसके बाद अगला है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने में।
एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में के रूप में। तो इसके रूप में दो तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, एक तो होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं जैसे कि एजिटोबैक्टर, ये स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि किसी पौधे के साथ सहजीवी रूप में रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम। सबसे कॉमन बैक्टीरिया राइजोबियम। ये बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट की रूट्स में रहता है। चूंकि यह सहजीवी बैक्टीरिया है तो ये क्या क्या करता है, प्लांट की जो रूट में ये रहता है तो प्लांट इसको फूड देता है, भोजन देता है और रहने के लिए जगह देता है। बदले में ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो ये इसका फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग होता है। उसके बाद बैक्टीरिया का उपयोग, एक बैक्टीरिया है बेसिलस मेगाथीरियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, तंबाकू, चाय, कॉफी इन प्लांट्स की राइपनिंग एंड करिंग। तंबाकू की पत्तियों की राइपनिंग और करिंग करता है, जिससे तंबाकू की पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग फ्लेवर की चाय भी आती है, तो इन बैक्टीरियाज के अलग अलग स्ट्रेन्स के थ्रू इनकी राइपनिंग करवाई जाती है, करिंग करवाई जाती है, जिससे चाय की पत्तियों, जो चाय होती है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है, और ये सारा इन बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि बेसिलस सबटिलिस। ये बैक्टीरिया चमड़े के शोधन में काम आते हैं, मतलब जो चमड़ा बेसिकली स्किन होता है, इसके ऊपर फैट और प्रोटीन लगा होता है, इसको हटाने के लिए इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया शोधन कहलाता है टैनिंग। इस प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। तो टैनिंग में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। उसके बाद अगला बिंदु है हमारा, कुछ सॉल्वेंट्स बैक्टीरिया फर्मेंटेशन से कई सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि शुगर से गन्ने का जो रस होता है उससे अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से अल्कोहल का निर्माण होता है, ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, और एसीटोन। ये सारे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से ये केमिकल्स का निर्माण होता है, और इन केमिकल्स से और कई सारे केमिकल्स का निर्माण किया जाता है। एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, ये बैक्टीरिया क्या करता है, फाइबर रेटिंग में काम आता है। कुछ पौधे जिनके अंदर से फाइबर्स निकलते हैं उन पौधों से फाइबर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पौधे को जो तना है उसको इस बैक्टीरिया युक्त वाटर में जल में डुबो के रख दिया जाता है,
डुबो दिया जाता है, जिससे तने के सारे सारे कोमल ऊतक ऊतक नष्ट हो जाते हैं और उसमें से केवल फ्लोएम फ्लोएम फाइबर रह जाते हैं, बच जाते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम विटायरिकम जो बैक्टीरिया है वो सॉफ्ट टिश्यू जो है उन सबको नष्ट कर देता है, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स को नष्ट नहीं करता है। इस तरह से जो फाइबर्स जो ऑब्टेन करते हैं, जो फाइबर्स का निर्माण होता है वो इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी काम में आते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम एसिटो ब्यूटाइलिकम, ये बैक्टीरिया हैं कल्चर मीडिया में इस बैक्टीरिया से कल्चर मीडिया में विटामिन बी का संश्लेषण करवाया जाता है। कुछ जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन का संश्लेषण करते हैं, जैसे कि ई कोलाई एस्चेरिशिया कोलाई, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी आंतों के अंदर रहता है, हमारी बॉडी के अंदर सहजीवी सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है, आंतों में उपस्थित होता है, जो विटामिन बी का संश्लेषण करता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे ऐसी टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिनसे एंटीबायोटिक बनती है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो दूसरे जीवों को किल कर देती है, दूसरे बायोम को नष्ट कर देती है एंटीबायोटिक्स। जैसे कि सबसे एक एंटीबायोटिक है रेसिडीन, जो बैसिलस, ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ऑब्टेन की जाती है, जैसे कि बैसिलस ब्रेविस पॉली मिक्सिडीन बैसिलस पॉलीमिक्सा। एथ्रोमाइसिन यूरेथ्रोमाइसिन अब स्ट्रेप्टो माइसियस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोमाइसियस एरिथ्रिस। वोकामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसियस ओरिएंटेलिस, स्ट्रेप्टोमाइसियस ओरिएंटेलिस। अगली है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसियस ग्रेसिलिस ग्रेसियस, सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसियस ग्रेसियस से ऑब्टेन की जाती है। अगली है टेरामाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसिस से ऑब्टेन की जाती है। तो ये तो कुछ थे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग होते हैं, जो किसी न किसी रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अगले हम बात करते हैं, अगला जो हम है उनके बारे में बात करेंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया। आजकल जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरह से बदल गया है कि ये जो बैक्टीरिया है वो किस
स्ट्रेन का है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से स्ट्रेन का है। तो जो सलमोनेला टाइफी है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा जो है रोग है वो है लेप्रोसी, लेप्रोसी जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई से जो लेप्रोसी रोग होता है उसके अंदर के हमारे जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है और हमारे जो उंगलियां हैं वो गलकर ठूंठ जैसी हो जाती हैं। तीसरा है कॉलेरा, हैजा जो विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है और ये ग्राम एक नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगला है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ इसे काली खांसी कहते हैं, खांसी ये होता है पास्टुरेला पर्टुसिस से। ऐसा है पर्टुसिस और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगली है प्लेग, प्लेग जो रोग है वो होता है यार्सिना पेस्टिस से। यार्सिना जो पेस्टिस है ये उस बैक्टीरिया से फैलता है और ये बैक्टीरिया चूहों के अंदर पाया जाता है, चूहों में पाया जाता है, तो इसका वेक्टर है ये, वहां चूहा होता है प्लेग और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगला है सिफिलिस, सिफिलिस ये फैलता है ट्राइपोनिमा पैलिडम से, ट्राइपोनिमा पैलिडम। अगला है एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। फिर आता है गैस्ट्रो एंट्रिस, जिसे गैस्ट्रो एंट्रिस एंट्राइटिस, गैस्ट्रो एंट्रिस या गैस्ट्रो एंट्राइटिस बोलते हैं, आत्रशोथ, आत्रशोथ ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इशिलिया कोलाई के बैक्टीरिया द्वारा होता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। फिर है डिसेंट्री, पेचिस और सिजेला, डिसेंड्रिस से होती है, डिप्टीरिया, डिप्टीरिया डिजीज होती है कॉर्नी बैक्टीरियम, सिजेला डिसेंड्रेट ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और डिप्टीरिया डिजीज होती है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरीज और ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर आती है ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ये फेफड़ों से संबंधित
रोग होता है जो माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, सॉरी ये डिप्थीरिया जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। फिर आते हैं बॉटुलिनिज्म, ये फैलता है क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम ये भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इससे फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, जितने भी पैक फूड होते हैं जिनके अंदर जो डिब्बाबंद अचार है उनके अंदर ये बैक्टीरिया पनप जाता है और इसको लेने से हमारी बॉडी के अंदर इसके टॉक्सिन्स आ जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर आता है टिटनेस, टिटनेस जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई द्वारा होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई और मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नाइजीरिया, मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। मेनिंजाइटिस क्या है, जो हमारी ब्रेन के ऊपर ब्रेन होता है उसके ऊपर तीन लेयर्स होती हैं, उन तीन परतों के को मेनिंजाइटिस कहते हैं। उनमें सूजन आ जाती है। तो ये कुछ थे जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। ये नाइजीरिया जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, और टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव है। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।